हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो दोस्तों, दिस इज भावनापुरी एंड वी विल टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10 इंग्लिश, दैट इज अ लेटर टू गॉड। सो फ्रेंड्स, ये जो आपका चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इसकी थीम क्या है, ये चैप्टर किस बारे में है और कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें हैं जिनके बारे में हमें जानना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा दैट दिस चैप्टर इज अबाउट गॉड एंड द फेथ। सबसे पहली चीज, जो कैरेक्टर इस चैप्टर में है उनका नाम है लेंचो। क्या नाम है? लेंचो। तो लेंचो कौन है? ही इज अ फार्मर। वो एक किसान है, वो एक फार्मर है, ठीक है? तो जो लेंचो है इस चैप्टर में, ये जो पूरी स्टोरी है, दिस गोज अराउंड लेंचो ओनली। सो व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर? एज यू नो, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज ऐसी गलत कर देते हैं या हमारे साथ कोई चीज गलत हो जाती है, तो हमेशा हम किसी एक पर्सन से उम्मीद लगाते हैं। हमें किसी एक पर्सन में फेथ होता है, भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है। बिल्कुल वैसे ही लेंचो एक ऐसा किसान है जो कि एक वैली पर, एक चोटी पर, पहाड़ी पर बिल्कुल टॉप पर रहा करता था। एंड उस वैली पर, उस चोटी पर एक लौता घर सिर्फ लेंचो का ही था, जहां पर वो अपनी फैमिली के साथ रहता था, ठीक है? तो कई बार जब हम लोगों के साथ बुरा होता है तो हम गॉड से प्रे करते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि गॉड प्लीज आप सब ठीक कर दो, ठीक है? सिमिलरली इस चैप्टर में लेंचो ने गॉड में अपना फेथ यानी कि अपना भरोसा दिखाया है। और इतना ज्यादा फेथ, इतना ज्यादा ट्रस्ट लेंचो को गॉड में था कि वो मदद करने के लिए गॉड से, मतलब एक्सपेक्ट इतनी ज्यादा करता है, इतनी ज्यादा उम्मीद करता है कि उसने गॉड को एक लेटर लिख भेजा, ठीक है? तो हमें थीम पता चल गई है इस चैप्टर की, दैट इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट द फेथ इन गॉड। भगवान में जो भरोसा होता है, जो ट्रस्ट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा कि लेंचो एक फार्मर था। किस तरीके के किसान थे वो, आपको याद रखना है। He was an honest farmer, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार थे एंड हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज्यादा काम करने वाले। तो सबसे पहली चीज हमें पता चली कि जो लेंचो थे, ही वॉज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। कहाँ रहते थे? He lived in a valley. वो एक पहाड़ी पर रहा करते थे, at the top of the valley. उसको crest कहते हैं, C-R-E-S-T. Crest का मतलब होता है top of the hill. किसी भी पहाड़ी के top पर. तो वहाँ पर ये लेंचो अपनी family के साथ रहते थे, ठीक है? तो हुआ क्या था? लेंचो के पास corn यानी कि मक्का की खेती थी, corn के field थे. तो कौन से field थे इनके पास? He had corn fields, ठीक है? इनके पास corn के फील्ड थे। अब एक बार की बात है, जब वो अपने कॉर्न के फील्ड में खड़े थे, ही वॉज वेटिंग फॉर अ शावर। बस वो ये चाहते थे कि जो मेरी मक्का की खेती है, कॉर्न का फील्ड है, अगर मेरे को अच्छी फसल चाहिए, अगर अच्छी हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। ही वॉन्टेड अ गुड हार्वेस्ट, उनको एक अच्छी फसल की जरूरत थी। तो उन्होंने गॉड से प्रे किया और बोला कि बस भगवान, अब तो शावर यानी कि बारिश हो जाने चाहिए, थोड़ी बहुत रेन अगर आ जाए तो जो मेरी फसल है वो बहुत ही अच्छी होगी। तो बस जब वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, वैसे आसमान की तरफ उन्होंने देखा, तो उन्हें थोड़े से क्लाउड्स नजर आए। उन्होंने ये सोचा, यार अब तो बारिश हो ही जाएगी, ठीक है? ऐसा कहते हैं वो किससे? अपनी वाइफ से। द लेडी वॉज मेकिंग द फूड, जो कि डिनर तैयार कर रही थी, उनसे उन्होंने ये बात बोली। उन्होंने भी कहा, हाँ अब तो बारिश हो ही जाएगी लगता है, ठीक है? एंड देन उनके जो बच्चे थे, जो बड़े बच्चे थे, द एल्डर वंस, दे वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो छोटे बच्चे थे, दे वर प्लेइंग, ठीक है? तो जब डिनर तैयार हो गया, जब सफर तैयार हो गया, सफर का मतलब भी डिनर है, सफर और डिनर, रात के खाने को हम डिनर या फिर सफर कहते हैं। तो जब सफर तैयार हो गया, तो लेडी ने, वुमन ने बच्चों को बुलाया और बोला कि आ जाओ फटाफट से खाना वाना खा लेते हैं। अब वो जब अंदर गए, तभी बारिश स्टार्ट हो गई। एंड लेंचो वॉज सो एक्साइटेड, ही वॉज सो हैप्पी कि वो बारिश को देखने के लिए, उसको फील करने के लिए, बारिश की बूंदों को वो अपनी बॉडी पर फील करना चाहता था, इसलिए वो अपने घर से बाहर निकला और कॉर्न फील्ड में आकर खड़ा हो गया। तो जब वो ऊपर की तरफ देखने लगा, तो बारिश की बूंदें धीरे धीरे से नीचे टपक रही थी। तो उन्होंने उन बूंदों को यानी कि रेन ड्रॉप्स को देखकर क्या बोला? दी स्मॉलर ड्रॉप्स, जो छोटी छोटी रेन की बूंदे हैं, दीज आर लाइक 5 cent coins, 5 के सिक्के की तरह लग रही थी। एंड दी जो बड़ी बड़ी थी ना, एंड द लार्जर वंस, दे वर लाइक 10 cents, किसके जैसे लग रही थी? 10 cents, करेंसी है सेंट।
तो हमने बोला छोटी जो बारिश की बूंदे थी वो 5 के सिक्के की तरह, 5 सेंट कॉइन्स की तरह, और जो बड़ी बारिश की बूंदे थी वो किसकी तरह लग रही थी, 10 सेंट कॉइन्स की तरह। तो वो खुश था, बट सडनली थोड़े ही समय में वो जो रेन स्टॉर्म, मतलब जो रेन की बूंदी थी, रेन ड्रॉप्स थी, वो हेल स्टॉर्म में यानी कि ओले गिरने लग गया। जो रेन ड्रॉप्स थी वो किस में बदल गई थी, दे कन्वर्टेड इनटू हेल स्टॉर्म्स। हेल यानी कि ओले, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, तो हेल स्टॉर्म आ गया यानी कि ओले बहुत ही ज्यादा तेजी से गिरने लगे, जिस वजह से जो लेंचो थे उनकी पूरी जो हार्वेस्ट थी, पूरा जो कॉर्न का फील्ड था वो डिस्ट्रॉय हो गया और वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए। वो जो रात थी लेंचो के लिए और उनकी पूरी फैमिली के लिए, इट वॉज वेरी बैड, वो उनके लिए बहुत ही दुख भरी रात थी। ही कुड नॉट इवन स्लीप, वो इतना ज्यादा दुखी हो गए थे, उन्होंने बोला लगता है इस साल हम भूखे मर जाएंगे, लगता है कि इस साल हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, एंड वी विल डाई। लेकिन उसी दौरान पूरी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के मन में एक फेथ था, फेथ यानी कि भरोसा, ट्रस्ट। उन सभी के मन में क्या था, फेथ था, भरोसा था, और वो भरोसा किस में था, वो भगवान में था। सभी ये उम्मीद करके बैठे थे कि भगवान ने हमें बनाया है, उन्होंने हमें पेट दिया है, तो फिर वो खाना भी देंगे, मतलब सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। ऑल्दो एक और लाइन आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है जो कि ये है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, है ना, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ द मैन। इसका क्या मतलब, देखो जो ऑक्स होता है वो बहुत हार्डवर्किंग होता है, उसे कुछ नहीं पता किसी चीज को के बारे में, उसको नॉलेज नहीं है, बस काम करना है, काम करना है, काम करना है, ना। तो लेंचो भी बिल्कुल वैसा ही था, ही वॉज नॉट वेरी एजुकेटेड, ऐसा नहीं था कि भैया वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठा है, नो, ही वॉज अ सिंपल फार्मर। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही अनपढ़ था, उसने क्या डिसाइड किया, ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, और उसने उस लेटर को जब लिखा ये भी सोचा कि मैं पोस्ट ऑफिस जाऊंगा, इसको पोस्ट भी करके आऊंगा, मेल करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्स होने के बावजूद भी, इतना हार्डवर्किंग या थोड़ा मतलब कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी, उसने एक लेटर लिखा भगवान जी को, गॉड को, और उस लेटर में उसने क्या लिखा था, उसने अपनी पूरी प्रॉब्लम बताई। ही रोट इन द लेटर दैट कि मेरी जो पूरी हार्वेस्ट है, द कॉर्न फील्ड्स, वो क्या हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके। कैसे डिस्ट्रॉय हुए, हेल स्टॉर्म की वजह से, जो तूफान आया था उस वजह से। अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ना ही खाने के लिए कुछ बचा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लेंचो ने रिक्वेस्ट की गॉड से, और क्या डिसाइड किया, क्या मांगूंगा, 100 पीसोस, तो पीसोस वहां की करेंसी है। तो लेंचो ने लेटर में लिखा कि भगवान आप मेरे को क्या करें, 100 पीसोस भिजवा दीजिए, ताकि मैं दोबारा से कॉर्नफील्ड को उगा सकूं, सो कर सकूं बीज को, है ना। तो एस ओ डब्ल्यू उसका मतलब होता है बीज बोना, ठीक है। वो चाहता था कि दोबारा से वो बीज बो सके और उसका जो कॉर्नफील्ड है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, इसलिए उसने 100 पीसोस की डिमांड की थी भगवान जी से। एंड ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस और वहां पर जाकर स्टैंप ली, स्टैंप लगाई, और मेल बॉक्स में वो जो लेटर था उन्होंने डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जो पोस्टमैन होते हैं उनका काम क्या है, मेल बॉक्स में से लेटर निकालना और जो एड्रेस लिखा हुआ है वहां तक पहुंचा देना, ठीक है। फिर डाकिया तो यही करता है। अब उस डाकिया ने यानी कि पोस्टमैन ने अपनी लाइफ में पहली बार एड्रेस में गॉड लिखा हुआ देखा था। अब वो तो हंस पड़ा, कहता है यार ये कौन बंदा है, भगवान जी को लेटर भेज रहा है, अब के भगवान जी के पास जाऊंगा मैं लेटर देने के लिए। तो मतलब वो हंसने लगा, ही वाज लाफिंग अ लॉट, एंड ही वेंट टू द पोस्टमास्टर। जो पोस्टमैन था वो किसके पास गए, वो गए पोस्टमास्टर के पास। तो पता है क्या, उस लेटर को लेकर पोस्टमास्टर भी पहले हंसने लगे, उन्होंने लगा यार क्या बंदा है, बताओ क्या कर रहा है, ये भगवान जी को लेटर भेज रहा है, चलो देखे तो सही इसने लिखा क्या है। तो ऐसे मजाक में उन्होंने क्या किया, लेटर खोला और उस लेटर को पढ़ा। लेकिन जब उन्होंने उस लेटर को पढ़ा कि एक पर्सन है लेंचो, उसने ये रियलाइज किया पोस्टमास्टर ने कि इस बंदे को, इस व्यक्ति को कितना ज्यादा फेथ है, कितना ज्यादा भरोसा है भगवान में, कि उसने अपनी मदद करने के लिए सीधा लेटर ही लिख दिया। और पोस्ट मास्टर बहुत ही काइंड हार्टेड था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, ही वॉज वेरी फ्रेंडली, फ्रेंडली को हम अमाइबल भी कहते हैं। फ्रेंडली के लिए दूसरा वर्ड हम यहाँ पर लिख रहे हैं, विच इज अमाइबल। अमाइबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली। सो द पोस्ट मास्टर वॉज एन अमाइबल और अ फ्रेंडली पर्सन, ही वॉज अ फ्रेंडली मैन। तो उसने क्या सोचा, नहीं यार ऐसे सही नहीं रहेगा, इसका जो भरोसा है, जो फेथ है, उसको नहीं तोड़ना,
तो हम क्या करेंगे, उसने पूरे स्टाफ मेंबर्स को, सभी एम्प्लॉयज को बोला, रिक्वेस्ट की आप अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पार्ट, जितना आप चाहे उतना कंट्रीब्यूट कर दीजिए, ताकि हम लंचों के भरोसे को टूटने से रोक सके। ठीक है, सो सबने कंट्रीब्यूशन किया, बट कलेक्टिंग 100 पीसोस वाज नॉट सो इजी, इतना आसान नहीं था। तो सारे एम्प्लॉयज ने मिलकर टोटल जो पैसे कलेक्ट किए वो कितने हो पाए, 70 पेसोस। कितने पैसे कलेक्ट हो पाए, 70 पेसोस। तो जब उन्होंने 70 पेसोस कलेक्ट किए, तो पोस्टमास्टर ने सारे पैसों को इकट्ठा करके एनवलप में रखा, और उस लेटर या एनवलप के लास्ट में जब सिग्नेचर किए, तो ही रोट गॉड। लास्ट में उन्होंने क्या लिखा, गॉड लिखा। तो क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि उन्होंने गॉड क्यों लिखा, तो क्योंकि पोस्टमास्टर डिड नॉट वॉन्ट टू ब्रेक द फेथ ऑफ लेंचो इन गॉड, क्योंकि पोस्टमास्टर लेंचो का भरोसा तोड़ना नहीं चाहते थे जो कि उसे भगवान में था, इसीलिए उन्होंने लास्ट में क्या लिखा, गॉड। तो पता है क्या हुआ, जब वो लेटर उन्होंने भेजा, तो लेंचो जब उस लेटर को लेने के लिए आया, नॉर्मली क्या होता है, पूछते हैं मेरा लेटर आया क्या, मेरा लेटर आया क्या, तो उसने एक दिन आके पूछा, इट वॉज फॉलोइंग संडे, तो उन्होंने जब आके पूछा कि मेरा लेटर आया, तो उनको उनका लेटर मिल गया। भैया ना वो सरप्राइज थे ना वो शॉक्ड थे, मतलब अगर मैं भगवान जी को लेटर लिखती हूँ, मुझे कोई लेटर भेज भी देता भगवान जी के नाम से, तो मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड होती यार, मैंने तो ऐसे ही लिख दिया था वो लेटर, है ना। लेकिन लेंचो सरप्राइज्ड नहीं था, क्यों, क्योंकि उसको इतना भरोसा था, इतना ट्रस्ट था भगवान में, उसे लगा कि मेरे पास तो पैसे आ ही जाएंगे, भगवान जी हेल्प करेंगे। बट हुआ क्या पता है, जब उसने वो लेटर खोला, व्हेन लेंचो ओपन्ड द लेटर, उन्होंने एनवलप को जब खोला, उन्होंने देखा जब पैसे गिने ना, तो वो कितने थे, 70 पीसोस। तो बल्कि वो गुस्सा हो गए, लेंचो को गुस्सा आ गया। वो गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उन्होंने डिमांड कितनी की थी, 100 पीसोस की, आए कितने, 70 पीसोस। फिर से एक पेपर पेन लिया, वहीं पर जो पोस्ट ऑफिस में से पेपर पेन लिया, और इस बार लेटर लिख रहे। एंड व्हाट वाज ही राइटिंग इन हिज लेटर, वो अपने लेटर में लिख रहे थे कि गॉड आई हैव रिसीव्ड योर मेल, बट पैसे पूरे नहीं आए हैं, कितने हैं, 70 पीसोस आए हैं। क्योंकि उसको भगवान में इतना भरोसा था, ही न्यू दैट गॉड कुड नॉट मेक सच अ मिस्टेक, भाई भगवान इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते कि 100 पीसोस मांगे तो 70 पीसोस देंगे। अब उसने जब लेटर लिखा तो क्या बोला, गॉड मेरे जो बचे हुए पैसे हैं, प्लीज आप वो मुझे पहुंचा दीजिए, लेकिन इस बार ना मनी ऑर्डर से भेजना। क्यों, बिकॉज जो यहाँ पर एम्प्लॉयज है पोस्ट ऑफिस के, ये जो मेंबर्स है पोस्ट ऑफिस के, दीज आर अ बंच ऑफ क्रूक। बंच ऑफ क्रूक का मतलब होता है बेमान है सारे के सारे लोग। ठीक है, तो यहाँ पर एक और लाइन हम मेंशन कर रहे हैं, वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक। ये लाइन आपको जरूर याद रखनी है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, इट मींस अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर चीटर्स। ठीक है, बेईमान लोगों का जो ग्रुप होता है उसको बंच ऑफ क्रूक कहा जाता है। सो दिस इज ऑल, ये लेटर उन्होंने दोबारा से लिखा और भेज दिया फिर से गॉड के पास। सो इस स्टोरी से हमें ये पता चला है दैट वी शुड हैव फेथ इन गॉड, वी शुड हैव फेथ इन अ पर्सन, ठीक है, जिससे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिससे भी हम उम्मीद करते हैं। और जो जो क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछे जा सकते हैं वो क्या है, हुम लेंचो हैड फेथ इन, गॉड में भगवान था, मतलब फेथ था उसको भगवान में बहुत ज्यादा। दूसरा, जो रेन ड्रॉप्स थी वो कैसी दिख रही थी, छोटी वाली 5 coins, यहाँ पर जो स्मॉलर ड्रॉप्स थी 5 cents की तरह, बड़े वाली 10 cents की तरह। फिर पूछेंगे कि जो उनका कॉर्न फील्ड था वो किस तरीके की अपीयरेंस देता था। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब बारिश हेल स्टॉर्म में बदल गई थी, ये भी पूछेंगे ना रेन ड्रॉप्स किस में बदल गई, तो आप बताओगे रेन ड्रॉप्स कन्वर्टेड इनटू द हेल स्टॉर्म। दूसरा क्वेश्चन, मतलब जो अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो ये है, अपीयरेंस कैसी थी कॉर्नफील्ड की। तो देखिए, इतने ज्यादा छोटे छोटे बर्फ के गोले जब नीचे गिरेंगे तो पूरी जो खेती होगी वो कैसी नजर आएगी, बिल्कुल व्हाइट कलर की नजर आएगी। सो इट वॉज लुकिंग एज इफ, सबसे पहले लग रहा था बारिश जब आई थी कि कोई कर्टेन, कोई पर्दा सा बिछ गया हो, लेकिन जब वो बारिश की बूंदे हेल स्टॉर्म में बदल गई थी, ओले में बदल गई थी, तो इतने सारे छोटे छोटे बर्फ के गोले वहां नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कॉर्नफील्ड के ऊपर किसी ने नमक की लेयर यानी कि सॉल्ट को स्प्रेड कर दिया हो। सो द फील्ड वॉज लुकिंग एज इफ इट इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ सॉल्ट, ये आपको बताना है। दूसरी चीज, एक और लाइन लेंचो ने बोली थी जब उसने देखा कि उसके पूरे कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो उन्होंने ये बोला, यार इतनी बुरी हालत की है इस तूफान ने, इस हेल स्टॉर्म ने, इतनी बुरी हालत तो लोकस्टा का झुंड भी नहीं करता। लोकस्ट क्या है, लोकस्टा बेसिकली जो कीड़े होते हैं खेती बर्बाद करने वाले, उनको हम लोकस्ट कहते हैं।
ठीक है, तो लेंचो ने बोला कि इतनी बर्बादी तो लोकस्टा भी नहीं करता। स्वाम, SWARM, स्वाम का मतलब झुंड या ग्रुप, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर लोकस्टा का ग्रुप आता ना इससे ज्यादा, तो वो ही छोड़ के चला जाता। इस तूफान ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, राइट। फिर रिएक्शन कैसा था पोस्टमास्टर का? ही वाज लाफिंग इनिशियली, बट देन ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।